Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना, राधे राधे। आज फ्रेंड्स हम एक यूनिक चीज़ बनाएंगे जिसे देखकर आप खुश होंगे, और मुझे तो खुशी है ही कि मैं आपके लिए ये चीज़ें बना रही हूँ, और बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं। ये मैंने क्रोशिया लिया है और ये मैंने ऊन ली है। फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़ी सी ऊन में बनता है ये। तो मेरे पास गोला रखा था और मुझे इस कलर का बनाना था, इस चक्कर में मैंने ये ऊन लिए है, ये कलर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे और यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। और फर्स्ट वाली चेन में इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। ये एक रिंग बन गई। अब इसमें हम 5 चेन बनाएंगे। पांच चेन बनाने के बाद में इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और इस चेन के नीचे से निकाल कर क्रोशिया को ऐसे, और इसमें से निकाल देंगे। इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके निकाल देंगे, और हमको एक ही धागे में से निकालना है ऐसे। फिर लेंगे अंटा लगा के ऐसे, चेन में से ही लेना है और एक ही में से निकालना है। 2 हो गए, 3 हो गए। फिर लेना है और एक ही में से निकालना है जो हम बुन रहे हैं उसी में से। फिर एक और लेंगे ऐसे, फिर एक और लेंगे ऐसे। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां हम इस चेन में से लेंगे ऐसे ऐसे। अब हम इनको 2-2 करके निकालेंगे। ये हो गया। अब इसमें हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। और फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला होल है या पहली वाली जो चेन है, इसमें से हम इसको देखिए ये यहाँ से ऐसे निकालेंगे और स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। फिर फ्रेंड्स, ये जो आपको धागा दिख रहा है ये वाला, ये इसमें से एक धागा निकालेंगे, और ये जो दिख रहे हैं इनके बीच में जो धागा है ऐसे, इसमें से निकालेंगे। फिर इन दोनों के बीच में से जो धागा है इसमें से निकालेंगे 4, और इसमें से निकालेंगे 5, और एक इसमें से निकालेंगे 6, 2, 4, 6 और 7वां हम इस चेन में से निकालेंगे ऐसे। फिर 2-2 करके निकाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये जो होल दिख रहा है फ्रेंड्स, इसी होल में से हमको फिर दोबारा से ये निकालना है ऐसे।
और सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसको। फिर हमें वही करना है, क्रोशिया पे अंटा नहीं लेना है हमें, ये दोनों ये है और ये है, ये है, ये है, तो इन दोनों के बीच में से जो धागा है इसमें से हमको निकालना है ऐसे, एक दो तीन चार, एक ये पांच, यानी छह तो हमें इस साइड से लेने हैं और सातवां हमें यहाँ से लेना है रिंग में से, तो दो चार छह और एक ये सात, फिर दो दो करके निकाल देंगे ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बन गया। फिर तीन चेन लेंगे और पहले होल में से ऐसे निकाल के सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, ये जॉइंट हो गया फ्रेंड्स। इसी तरीके से मैं करके आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये कितना बड़ा करना है, तब आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा पूरा हो गया है। इसमें मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह, बारह लाइनें हैं, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह कंगूरे हैं। और यहाँ पर मैंने लास्ट में एक ये कंगूरा बनाकर उनको काट दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं यहाँ पर ईयर रिंग्स बना रही हूँ, आप भी देखिएगा कितने प्यारे और कितने सुंदर ईयर रिंग्स हैं, आप जब पहनेंगे तो बहुत ही मस्त लगेंगे। देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, ऊन लेंगे और यहाँ पर इसको हम जॉइंट करेंगे ऐसे, और दो चैन इसके लिए बनाएंगे और तीन चैन, एक दो तीन चार, चार चैन इसकी टॉप्स के लिए बनाएंगे। तो अब हम एक दो तीन चौथी वाली चैन में इसको जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, इसको पलट लेंगे और इसमें हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये छः, और दो स्टिच लेकर दो चेन लेकर इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स ये बन गया, और एक चेन लेकर इसको हम ऐसे काट देंगे। इन धागों को फ्रेंड्स हम क्रोशिया से या सुई से अंदर कर देंगे ऐसे। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। अब डेकोरेट कैसे करना है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बनाकर रखा हुआ है ये, इसी तरीके से हमको ये यहाँ पर तैयार करना है।
ऐसे ये जो मैंने यहाँ पर मोती लगाए हुए हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी लगाने हैं, यहाँ लगाने हैं, एक यहाँ लगाना है। ये फ्रेंड्स मैंने एक टॉप्स ले रखा है, ये टॉप्स को ऐसे डालकर हम पहन सकते हैं, ये देखिए ऐसे। अगर आप चाहें तो इसमें जो लटकाने वाला जो आता है कुंडा टाइप का, उसे भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टॉप्स नहीं है तो। टॉप से ये है फ्रेंड्स कि ये जो इसका होल है ये ढक भी जाएगा और ये जो हिस्सा है ये कान के ऊपर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उससे लटकन से क्या है थोड़ा सा हल्का खाली रह जाता है कान। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको थोड़ी इसकी लाइनें कम करके भी आप इतना इतना हिस्सा भी बना सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो मैंने जैसे ये 5 चेन लेके इसमें साथ साथ ये क्रोशिया बनाए हैं तो आप इसको 2-2, 3-3 क्रोशिया बना करके भी पूरा राउंड टॉप्स भी बना सकते हैं, पूरा राउंड बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको अब पूरा करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे इयर रिंग्स बन चुके हैं, ये देखिए कितने प्यारे बने हैं। और ये जो मोती वाला टॉप्स है ये मैंने इसमें डाल रखा है इस तरीके से, ये है। और ये मेरा पहले वाला है, ये अभी वाला है, कितने प्यारे बने हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने कंगूरे बनाए हैं ये मैंने 3-3 चेन के बनाए हैं। अगर आप इनको और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 4 चेन के और 5 चेन के भी बना सकते हैं। और जो मैंने ये टॉप्स बनाया है ये देखिए, ये दिखाती हूँ, टॉप्स बनाया है ये मैंने 6 डबल क्रोशिया का बनाया है। अगर आप चाहें तो 7 डबल क्रोशिया का या 8 का भी बना सकते हैं, जिससे कि ये और फैला हुआ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। आई होप कि आपको ये मेरे इयर रिंग्स समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। राधे राधे।